प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी करना ही एकमात्र साधन नहीं है। आप किसी कम पूंजी वाले छोटे मोटे स्टार्टअप की मदद से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। अगर कोई पकौड़ा बेचकर दिन में 200 रुपया भी कमाता है तो इसे उसकी नौकरी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हालांकि उस समय कुछ विपक्षी दलों ने इस बयान पर एतराज़ जताया था, लेकिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे कुछ बेरोजगारों को प्रधानमंत्री मोदी की ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। और आज जो सफलता की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह हिरन मावानी की है, जो कच्छ गुजरात से है और भाईंदर पूर्व में ग्रेजुएट इटली वाला के नाम से रोजगार कर रहे हैं। भवन कॉलेज से स्नातक हिरन मावानी का कहना है कि कर्म में शर्म नहीं होनी चाहिए तथा अपनी आजीविका के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हो उसके माध्यम से आजीविका कमानी चाहिए। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है हिरन मावानी, मैं कच्छ गुजरात से रहने वाला हूँ और मुंबई में यहाँ पे कर्म के लिए आया हूँ। मेरा पढ़ाई यहाँ पे हुआ है, मुंबई में पढ़ाई किया मैंने। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने मुंबई में? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है मुंबई में किया है, अंधेरी से किया है, भवंस कॉलेज से। भवंस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स साइंस से किया है। बीएससी मैथमेटिक्स और साइंस में किया जी सर। अभी ये बताइए, आप ये साइकिल के ऊपर आप लगा रहे हैं जी? जी सर। ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये सर देखो, कोविड की वजह से सब मारामारी की वजह से सब परेशान थे, लोगों के पास जॉब नहीं था, सब तंग मुसीबत में थे। तो मैंने सोचा कुछ नया स्टार्टअप करता हूँ, कुछ लोगों को, मेरा भी कुछ घर ये सब चले, घर बार चले और लोगों को, युवा को भी कुछ मोटिवेट मिले। तो इसी के लिए मैंने फिर अपना मार्केट सर्वे किया, पहले क्या मार्केट में क्या चल रहा है अभी ट्रेंड देखा। उसके बाद मुझे लगा इडली है जो मैं साइकिल पे बेच सकता हूँ और इस पर अच्छा खासा बिजनेस होगा। उस हिसाब से मैंने इडली को चॉइस किया और घर पे सब हमने ट्राई किया और सीखा और पूरा क्वालिटी इडली बना तो पूरा होममेड है और पूरा हेल्दी एंड हाइजेनिक है सर। ओ, आपके घर पे इडली कौन बना रहा? आपकी वाइफ आपको मदद करती है क्या? जी जी बिल्कुल। मुझे पहले उनको ये चार दिन तो उनको समझाने लगे कि ये कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं है, चार दिन उनको समझाने लगा, चार महीना फिर फैमिली को समझाने लगा। उसके बाद ये मुझे पूरा अभी पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। मेरी वाइफ सुबह 2 बजे उठती है, मैं भी 2 बजे उठता हूँ, मेरी मम्मी का भी फुल सपोर्ट है, तीनों मिलकर हम बनाते हैं सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, और मैं 5:15 बजे घर पे निकल। तो आप ग्रेजुएट है और इस टाइप से आप ये जो कर रहे हैं साइकिल के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी शर्म वगैरह महसूस तो नहीं होती ना? नहीं नहीं सर, देखो मेहनत करना है, परिश्रम करना है, कर्म करना है, शर्म नहीं करनी है। शर्म के हमें क्या मिलने वाला, मेहनत परिश्रम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, बेनिफिट मिलेगी। ये थे हिरन मावानी जी, जो ग्रेजुएट है और साइकिल पर इडली वड़ा बेचते हैं। और आपका कहना है कि कर्म करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए।